पर एक बार स्वागत है ये टेक्निकल में। तो दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पे इमेजेस में देख पा रहे हैं, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ऑक्टोपस स्टाइल मिनी ट्राइपॉड की, जो हर तरह से बेंड रहा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल यश टेक्निकल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, या फिर इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखे उस पर क्लिक करके आप हमारे सब्सक्राइब को हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपका फिर एक बार स्वागत है यश टेक्निकल, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका फिर एक बार स्वागत है यश टेक्निकल में, जैसे कि हमने देखा था। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल यश टेक्निकल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहिए सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करते हैं इस ऑक्टोपस स्टाइल ट्राइपॉड की। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड है। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा, आप देख रहे हैं, मैं फोकस कर रहा हूँ, ये एक ऑक्टोपस ट्राइपॉड है जो कि बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड है। तो चलिए अब इसको ओपन कर लिया है। दोस्तों भी मैंने अमेजोन से मंगाया है तो मुझे बहुत सस्ता पड़ा, तो हम इस पेपर के कटर से इसको कट कर दें। तो अब हम इसे कट करिए। चलिए इसके साथ कुछ फ्री टीटी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, टीटीएल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, टीटीएल प्लस ऑक्टोपस ट्राइपॉड, यानी टीटीएल शायद कुछ अलग ही चीज़ होगी, फिर भी चलिए देखते हैं, हम इसे रख सकते हैं। आप देख सकते हैं अच्छी पैकेजिंग हो गई इसकी, ये बबल रैप आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। चलिए इसे भी निकाल देते हैं। हाँ तो दोस्तों टीटीएल यानी कि इस कवर की जो आपको ट्रस्टेड केस मिल रहा है, शायद ये एक फेवरेट टैबलेट केस है, बहुत ही अच्छा केस है, इसके अंदर कुछ फोम है तो बहुत बड़ा है, आप मेरे हाथ से सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ। और जो हमारा मेन चीज़ है वो है ट्राईपॉड, ये बहुत ही अच्छा ट्राईपॉड है, बड़ा भी है। चलिए इसे भी बाजू में रख देते हैं, इस कैरी बैग को भी। तो बहुत ही अच्छा ट्राईपॉड है, ये देखिए बहुत ही अच्छा है, कौन से भी मुड़ता है ये देखिए। तो चलिए इसे यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आपके पास एक माउंट होना ज़रूरी है। पहले तो इसका स्क्रू बहुत छोटा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी ट्राईपॉड की कंपेरिजन से इसका स्क्रू बहुत छोटा है। पहले हम इसे स्टेबल कर लेते हैं क्योंकि यह बहुत जेलीफिश की तरह इधर उधर हो बेंड हो रहा है। फिर यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये बटन, ये देखिए ऐसे आप इसे प्रेस करते हैं तो ऊपर का जो माउंट है वो इजीली निकल जाता है। तो ये इस प्रकार ये एक डिज़ाइन अंदर बनी हुई है, ये देखिए दबाने से। तो ये हमारा स्लाइडर है, इस पर हमें हमारा मोबाइल माउंट लगाना है जाके इस नट पर, तो हम इसे प्लेस कर देंगे। और ये हमारा मोबाइल माउंट जो कि आपको पता है, तो इसका नट भी बहुत छोटा है, हाथ से नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे टेस्टर यूज़ कर लेते हैं, एक गिर गया, तब ये ऐसा सीधा लगना चाहिए था, पर अभी क्या करें। ये ऐसे ज़्यादा टाइट भी मत कीजिए क्योंकि इसके जो लिंक है वो जा रहे हैं। और फिर इसे आसानी से यहाँ पे मैं फोकस कर देता हूँ, इसे देखिए माफ़ी चाहूँगा मैं, इस प्रकार डालने से क्रॉक की आवाज़ आएगी। तो हो गए। तो अभी मैं आपको इस पर मेरा मोबाइल है जो माउंट करके दिखाता हूँ, जो कि सैमसंग गैलेक्सी S6H mini। अब जो मैंने इस मोबाइल माउंट की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुकी है, जो कि एक सेल्फी स्टिक के साथ मिलता है, बहुत ही अच्छा और थोड़ा एडवांस लगता है। तो आप शायद मेरे रिकमेंडेड है कि आप ये यूज करें। तो ये देखिए
देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से खड़ा हुआ है। मैं आपको मेरा ट्राइपॉड थोड़ा नीचे लेके दिखा रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे लगा दिया गया है। ये देखिए, ये शायद ज़्यादा वेट होने पर मुड़ भी सकते हैं, लेकिन ये एज ए यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, कैसा भी मुड़ जाता है। अभी देखिए, फिर भी ये खड़ा हो जाता है। बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में था इतना ही। आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक और नए अनबॉक्सिंग नए रिव्यू के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए, आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। जय, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।